वाराणसी व्यापार मंडल ने विधायक रविंद्र जायसवाल को पार्टी के जीत की बधाई दी। साथ ही मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने विधायक रविंद्र जायसवाल से जिला प्रशासन की शिकायत भी की। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन बनारस के व्यापारियों तथा व्यापारिक संगठनों के प्रति उपेक्षित रवैया अपना रहा है। अधिकारियों को बार बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठता और न ही व्यापारिक समस्याओं के प्रति रुचि ले रहे हैं। आज हम लोग बनारस के 13 शाखाएं और 50 व्यापार मंडल की तरफ से यहां मंत्री जी को यह कहने आए हैं कि बनारस के अधिकारी व्यापारियों का फोन नहीं उठा रहे हैं और न उनसे बात कर रहे हैं, न उनसे मीटिंग कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा पैसे वालों के साथ वो मीटिंग करते हैं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के व्यापारी नेताओं को ये नहीं पूछते हैं और जो लोग इनके सही राय दे सकते हैं उनके से ये मिलने में गुरेज करते हैं। तो हम लोगों ने इसकी मांग की है कि या तो अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप व्यापारियों की हर महीने बैठक करें और व्यापारियों का फ़ोन उठाएँ, चाहे वो संगठन कोई भी हो उसका फ़ोन उठाएँ और उनसे वार्ता करें ताकि किसी का कोई कष्ट हो तो वो निवारण हो सके। अगर इस पर ध्यान नहीं गया तो हम लोग व्यापारी आगे क्रमबद्ध तरीके से इसका विरोध करेंगे, आंदोलन भी। हम लोग अभी पहले विधायक जी को दिए हैं, इसके बाद फिर देंगे कि दूसरे विधायक जी को, फिर देंगे तीसरे विधायक जी को। सड़कों पे उतरेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करेंगे और हम लोग ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक इस तरह के अधिकारी बनारस से हटा ना दिए जाएं या सुनना न शुरू। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।